हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मोती चूर के लड्डू, जिसे मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनाया है और ये बहुत ही जल्दी बनते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए जल्दी से मोती चूर के लड्डू को बनाना स्टार्ट करते हैं। बूंदी के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है। बॉल में मैंने जो है 2 कप के करीब बेसन लिया है। बेसन जो नॉर्मल घर में होता है वही हमें यूज़ करना है। कोई भी एक कटोरी या मेज़रमेंट के हिसाब से इसका मेज़रमेंट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने इस कप के हिसाब से बेसन लिया है, ये मैंने 2 कप बेसन लिया है, तो इसे मैं 1.25 कप के करीब इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी को हमें धीरे धीरे ऐड करना है, इकट्ठा ऐड नहीं करना, क्योंकि इकट्ठा ऐड करने से लम्स बन जाएंगे। धीरे धीरे करके हम पानी ऐड करेंगे इसमें और इसे हिलाते हुए इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। सारा मेजरमेंट के हिसाब से यह बूंदी के लड्डू बनाइएगा तो इसे बहुत ही अच्छे बनकर आएंगे हमारे बूंदी के लड्डू। इसको घुमाते हुए हम इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने बेसन का घोल बनकर तैयार है हमारा, आप देख सकते हैं। 2 कप बेसन के लिए मैंने इस कप के हिसाब से मैंने जो है बेसन लिया था, तो इसी कप के हिसाब से मैंने पानी ऐड किया है। 2 कप मेरा बेसन था तो इसमें मैंने 1.25 कप के करीब मैंने पानी ऐड किया है। तो थोड़ा रेशो का आप ध्यान रखेंगे ना तो आपकी हर चीज़ परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ऐसे हम गिरा रहे हैं तो ये घोल गिर रहा है। तो इतना ही हमें रखना है। एक तरीका और है इसको चेक करने का, एक स्पून की सहायता से आप बेसन में इसको लगाइए और आप देख सकते हैं कि बेसन की कोटिंग इस पर अच्छे से आ रही है, तो इसका मतलब जो हमारा घोल है बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, पर लड्डुओं का कलर क्योंकि पीला होता है तो उसमें मैंने ये येलो कलर का फूड कलर इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा। और इसको अच्छे से मिला देंगे हम। तो बूंदी के लड्डू बनाने के लिए हमारा घोल बनकर तैयार है, हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। आप तो घोल बनाने के बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने कुकिंग ऑयल इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो इसे देसी घी में बना सकते हैं, पर मैं देसी घी में नहीं बना रही हूँ। तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, इसे चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा इसमें घोल डाल के देख लेंगे। आप देख सकते हैं बूंदी तैर के ऊपर आ गई है, तो उसका मतलब जो हमारा तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पे जो घर में होता है ना पराठे बनाने के लिए झरनी, इसकी सहायता से हम बूंदी को बनाएंगे। ध्यान रखिएगा जैसे जैसे आप इसे बूंदी को बनाते जाएंगे इसको क्लीन करते जाइएगा, क्योंकि अगर हम क्लीन नहीं करेंगे तो इसके होल हैं उसे बेसन जम जाएगा और वो अच्छे से बूंदी नहीं आ पाएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम जो घर की झरनी है इसकी सहायता से हम बनाने जा रहे हैं। एक कड़छी की सहायता से मैंने एक हाथ में जो है घोल लिया है और एक हाथ से हम इसको इस पर डालेंगे। थोड़ी ऊंचाई पर करके हमें इसको अभी कुछ करना नहीं है, बस जितनी पलटना नहीं है ऐसे ही हम इसको सेकेंगे हाई फ्लेम पर, जब तक इस पर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। अब इस बर जो हमने झरनी लिया है ना इसको हम क्लीन कर लेंगे, फिर अगली बैच हम दूसरी बर्नी से बनाएंगे या इसको क्लीन करके बना लेंगे। तो अलटते पलटते हुए मैंने हाई फ्लेम पे है बूंदी को सेक लिया था। आप देख सकते हैं इसमें गोल्डन कलर आ गया है, बस इतना ही हमें करना है। अब इसको हम ऐसे साइड में करके इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल लेंगे और इसको मैं एक परात में निकाल रही हूँ। मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, इसी तरह से हम दूसरा बैच बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैंने उसको साफ कर लिया था पहले झरनी को, इसमें फिर डालेंगे हम।
इसी तरह से दूसरा बैच को भी हम अलटते पलटते हुए गोल्डन करके हम सेक लेंगे बूंदी को। इसकी बूंदी भी हमने इसी तरह से सेक कर तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं इसमें भी बहुत अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। इसे भी मैं अब एक परात में निकाल लूँगी। तो सारी बूंदियों को इस तरह से हम बनाकर पहले तैयार कर लेंगे लड्डुओं के लिए। तो आप देख सकते हैं हमारी जो है लड्डुओं के लिए बूंदी बनकर भी तैयार है। आप इसे रायते में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो प्रसाद की बूंदी होती है उसको चाशनी में डालकर भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चाशनी के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है। अब जितना हमने बेसन लिया था उसी मेजरमेंट के हिसाब से इसमें हम पानी ऐड करेंगे। जैसे मेरा 2 कप बेसन था तो उस कप के हिसाब से मैंने 2 कप जो है पानी लिया है, और उतनी हम चीनी ऐड करेंगे। 2 कप के करीब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। 2 कप मैंने पानी लिया है तो 2 कप इसमें चीनी ऐड करेंगे। 1 कप मैंने इसमें डाल दिया, 1 कप इसमें और डालेंगे हम, और इसको तेज़ फ्लेम पर इसको हम चीनी को मेल्ट होने देंगे। अगर आप रेशो के हिसाब से लड्डू को बनाएंगे ना तो आपके लड्डू बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पहले डाल दिया था, 1 कप उसमें और डाल रही हूँ चीनी, और इसे हम मेल्ट कर लेंगे। चीनी को तेज़ फ्लेम कर देंगे गैस का और चीनी को मेल्ट कर लेंगे। इसकी हमें कोई एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। अब चाशनी के अंदर चीनी जो है मेल्ट हो चुकी है, इसे हमें कोई गाढ़ी चाशनी नहीं बना के तैयार करनी है। बस जैसे हम रसगुल्ले के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनानी है, रसगुल्ले के बनाते वैसे ही बनानी है। इसको हमने तेज़ फ्लेम पर पहले चीनी को मेल्ट कर लिया था, और अब 5 से 7 मिनट के लिए इसको सिम गैस पर इसको हम चला रहे हैं। तो इसमें अब मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इलायची पाउडर मैं डाल रही हूँ। अगर आपको इलायची पाउडर का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर इसे डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा मैं फूड कलर इसमें ऐड करूँगी। फूड कलर हमने पहले भी इसमें डाला है तो इससे जो है कलर बहुत अच्छा आता है, और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी बनकर तैयार है। हमने जो बूंदी बनाकर रखी थी ना उसको फ्राई करके वो इसमें ऐड करेंगे हम, क्योंकि जो हमारी चाशनी है वो गर्म है बिल्कुल, तो इसमें हम ऐड कर देंगे। सारी बूंदी को इसमें हम ऐड कर देंगे और एक बार इसको हिला देंगे। अब बूंदी हमारे अच्छे से चाशनी के अंदर ऑब्जर्व हो जाए, मतलब सोख ले पानी चाशनी इसमें बूंदी को, इतना हमें करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको आधे घंटे के लिए इसको ढक्कन हम रख देंगे, उसके बाद हम अपनी चाशनी और बूंदी को चेक करेंगे। आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पर रख रही हूँ मैं। तो बूंदी हमारी अच्छे से ऑब्जर्व हो चुकी है चाशनी के अंदर। अब इसको हमें क्या करना है, एक मिक्सी ग्राइंडर में डालेंगे और इसकी हम इसका बारीक मिक्सर बनाकर तैयार कर लेंगे। मोती चूर के लड्डू बनाने के लिए हमें इसका बारीक पेस्ट बनाना है, बिल्कुल बारीक नहीं बनाना, मतलब इसको थोड़ा सा घुमाकर हल्का सा इसका पेस्ट बना लेंगे। जो बूंदी थी उसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा चला लिया था, आप देख सकते हैं। आप इसे अपने हिसाब से मोटा पतला भी रख सकते हैं। अब इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। ये मैं थोड़ा सा पिस्ता ऐड कर रही हूँ। आप अपने अनुसार कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसे काजू भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बादाम भी ऐड कर सकते हैं, पर इसमें नहीं कर रही हूँ। और ये जो है खरबूजे के बीज मग इसको भी ऐड कर रहे हैं, और इन चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। अब इसको हम लड्डू की शेप देंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी खाद लगा कर इसे बांध सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही बना सकते हैं, ये इजीली बाइंड हो जाएंगे। आप देख सकते हैं साइज़ अपने हिसाब से, छोटा बड़ा जितना भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, ये खाद से ही बाइंड हो जाएंगे। इसी तरह से हम साई लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारे मोती चूर के लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं। देखने में लग रहे हैं ना यम्मी से, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और घर में अगर बने हैं तो उसकी तुलना आप बाहर से नहीं कर सकते। तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा ज़रूर। मैं तो अपने मोती चूर के लड्डू को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ, आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।